Okay, what's up and welcome back guys to yet another video. So, पिछले वीडियो में मेरी करंट फिजिक्स देख के तुम लोग में से काफी लोगों का मेरे को DMs आया था asking कि bro what do you do, what is your training program, what is your diet, etc. etc. इन सारे questions से मेरा पूरा DMs भरा हुआ था. इन सारे topics पे मैं अलग अलग videos बनाऊंगा. But आज की इस video में we are going to talk about new beginnings, like what is next for me इस industry में. And by the way, मैं ये video Portugal का match देखते देखते एंड डिनर करते करते बना रहा हूँ, तो अगर मैं बीच में ज़ोन्ड आउट नजर आया या फिर पागलों की तरह चिल्लाते हुए नजर आया तो समझ जाना. एंड बाय द वे आई एम हैविंग चिकन एंड राइस. Anyway, let's begin. तो शुरू करने से पहले मैं जरा मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ, लाइक कि मैं कितने सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग. तो मैंने जब 18 कंप्लीट किया था 2016 में, तभी मैंने जिम ज्वाइन किया था. एंड ऑनेस्टली स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल सीरियसली वर्कआउट नहीं करता था, लाइक जाता था दोस्तों के साथ चिल मार के आ जाता था घर पे. ऑल्सो बिकॉज मेरे दिमाग में ऐसा था कि मेरे को बल्की बॉडी नहीं चाहिए, क्योंकि उन दिनों मैं फुटबॉल खेलता था, इसलिए मेरे को ऐसा था कि मेरे को लीन एज फक रहना है एंड मेरे को ज्यादा वेट गेन नहीं करना. तो अराउंड 6 to 8 months मैंने जिम में बस जाके टाइम पास किया दोस्तों के साथ. बट उसके बाद बिकॉज ऑफ कॉलेज एंड एवरीथिंग मेरा प्रैक्टिस वगैरह जाना कम हुआ. फिर उसके बाद मेरे को किसी चीज की वजह से रियलाइज हुआ कि यार मैंने यहाँ पे इतने पैसे भरे हैं और मैं सिर्फ टाइम पास करने जा रहा हूँ. मेरे को वो बात एकदम से हिट हुई एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियसली वर्कआउट करना शुरू किया. हाफ ईयर सीरियसली वर्कआउट किया, मैंने वेट गेन किया. यहाँ पे कहीं मैं फोटो डाल दूंगा तभी वाले बिफोर एंड आफ्टर का. उसके बाद मैं हायर स्टडीज के लिए न्यूजीलैंड गया एंड वहाँ पे कॉलेज, फिर पार्ट टाइम जॉब, फिर खुद का खाना पीना बनाना, कपड़े वगैरह धोना, वो सब के चक्कर में मेरा वर्कआउट छूट गया. वहाँ पे मैंने अपना लास्ट ईयर कैसे तो करके एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करके बैक इन शेप लाया था खुद को. बट डाइट करने के चक्कर में मैं बहुत लीन हो गया था, मेरा बहुत मसल मास लूज हो गया था. बट फिर मैं इंडिया आने के बाद आई वॉज लाइक नहीं, अब मैं वापस वैसे बनने की कोशिश करूंगा जैसे मैं न्यूजीलैंड जाने के पहले था. तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया. बट तुम जब अभी इतने सालों के लिए वर्कआउट करते हो तो यू नो योर बॉडी टाइप, यू नो योर जीन्स एंड एवरीथिंग. तो मेरे को समझ ही गया था कि मेरे जेनेटिक्स लाइक वो बॉडी बिल्डिंग वाले जेनेटिक्स नहीं है. बट मेरे को एक और बात समझ गया था कि मेरे में नॉर्मल एक एवरेज जिम गोअर से ज्यादा स्ट्रेंथ है. लाइक मैंने इतने साल हाइपरट्रॉफी में ही ट्रेन किया है, बट स्टिल मेरे जो लिफ्ट्स होते थे वो काफी हैवी होते थे. एंड ऐसा नहीं कि मैं ईगो लिफ्टिंग करता था, 10 to 12 reps में हिट करता था विद प्रॉपर फॉर्म एंड एवरीथिंग. तो मेरे को ये समझ गया था कि कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रेंथ एक नॉर्मल जिम गोअर से ज्यादा है. तो नाउ आई एम थिंकिंग टू स्विच टू पावर लिफ्टिंग बिकॉज आई नो माई स्ट्रेंथ. एंड अगर मैंने एज अ पावर लिफ्टर ट्रेन किया तो मेरा स्ट्रेंथ कहाँ से कहाँ जाएगा. सो इसीलिए आई एम स्विचिंग टू पावर लिफ्टिंग. ओ फक, एनीवे गोल मिस कर दिया. तो आई स्टे इन मुंबई, नॉट एग्जैक्टली इन मुंबई बट इन थाने. तो फर्स्ट आई विल बी कम्पीटिंग इन थाने डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग मीट, उसके बाद आई विल गो फॉर स्टेट्स महाराष्ट्र के लिए एंड उसके बाद का बात देखते हैं. बट अभी के लिए मेरा फोकस है सिर्फ थाने डिस्ट्रिक्ट. सो मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है पावर लिफ्टिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में. सो लेटली मैंने यूट्यूब पे पावर लिफ्टिंग के वीडियो देखने शुरू किए एंड आई फाउंड दिल्ली गैंग. एंड मैंने उनके सारे वीडियोस बिंज वॉच किए लिटरली फॉर 2 weeks एंड आई हैव कम टू एन कंक्लूजन कि आई वांट टू बी ट्रेन्ड अंडर मन्नू. मन्नू भाई की गाड़ी चली पॉम पॉम पॉम. नो बट जोक्स अपार्ट, सीरियसली मेरे को वो बंदे के अंदर ट्रेन करना है. वो लिटरली एक बीस्ट है, लाइक वो शायद 19 या 20 का ही है एंड उसके लिप्स फक मैन. बस बहुत हो गया मन्नू की गान चटाई. बट ऑन अ सीरियस नोट, आई डोंट इवन नो कि वो किसी को ट्रेन करता भी है या नहीं, बट आई ट्राई माय बेस्ट टू कॉन्टेक्ट हिम एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू हेल्प मी एज वेल. उसके वीडियो पे जाके ये मेरी वाली वीडियो का लिंक स्पैम कर दो, उसके इंस्टा DMs भर दो मेरे नाम से, मेरी लिंक से, सब चीजों से भर दो भाई. मिस्टर मेंडू होना चाहिए उसके सारे कमेंट्स पे,
उसके सारे DMs पे एंड मैं मेरे तरफ से भी कोशिश करूंगा. सो मैं अगर खेलूंगा तो 66 की कैटेगरी में खेलूंगा. आई एम करंटली 24 ईयर्स ओल्ड, तो मैं सीनियर ओपन में खेलूंगा एंड अमन विल बी माई कॉम्पिटिटर. अमन वालिया जो मन्नू का दोस्त है, बट दोस्ती एक तरफ, प्रोफेशन एक तरफ, कॉम्पिटिशन एक तरफ. तो मैं मेरे तरफ से मन्नू को एक वीडियो भेज रहा हूँ DM पे, आस्किंग हिम टू ट्रेन मी. लेट्स गो. हाय मन्नू, व्हाट्स अप? हाय मन्नू, व्हाट्स अप? एक्चुअली क्या? हाय मन्नू, व्हाट्स अप? साहिल. हाय मन्नू, व्हाट्स अप? मिस्टर मेंडू हियर. हाय मन्नू. नहीं जम रहा यार मेरे को. हाय मन्नू. गई. A few moments later. Hi Manu, what's up? Mr. Mendu here. And मेरे को एक powerlifting meet में compete करना है, because I want to be a powerlifter just like you. But मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मालूम powerlifting के बारे में. So because of that, I want you to train me. I know you live in Delhi. मैं मुंबई में रहता हूँ. But we'll manage it somehow. Just tell me when you're free and we'll set it up. Cheers. Finally, माँ कसम 15-20 वीडियोस ले लिए मैंने. शिट, इतने में मेरे YouTube वीडियो के लिए नहीं करता हूँ. सो मैंने मेरे तरफ से काम कर दिया है, बाकी काम तुम लोगों को करना है. उसके इंस्टा DMs भर दो, उसका YouTube का कमेंट सेक्शन भर दो मिस्टर मेंडू करके. मेरे इस वीडियो का लिंक स्पैम कर दो एंड लेट्स मेक इट हैपन. अभी आई डोंट नो कि वो अग्री करेगा या नहीं मेरे को ट्रेन करने के लिए. लेट्स से बिकॉज ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल वो मना कर देता है ट्रेन करने से. फिर भी नो वरीज, नो हार्ड फीलिंग्स. मैं उसके यूट्यूब वीडियोस देख देख के ट्रेन करूंगा खुद को, बट मेरा गुरु तो वही रहेगा. सो ऑल्सो इफ मनु कैसे तो करके अगर तेरे को इस वीडियो की लिंक मिल गई है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी. मैंने इंस्टाग्राम पे DM किया है मिस्टर मेंडू नाम से, मेरा यूजर नेम स्क्रीन पे आ रहा होगा. कुछ तो करते हैं भाई. आई विल फ्लाई टू दिल्ली. We'll have couple of sessions together and let's go. I'm waiting for your message and I'll see you guys in the next video. Till then, take care and bye-bye.